शनिवार को आरपीएस स्कूल मकनपुर के पावन प्रांगण में नालंदा सहोदय क्लस्टर के अंतर्गत नृत्य कला प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का प्रारंभ नालंदा सहोदय क्लस्टर अध्यक्ष एवं आरपीएस स्कूल के निर्देशक अरविंद कुमार सिंह ने मंगल दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रैफिक डीएसपी अरुण कुमार सिंह रहे। इस रंगारंग नृत्य कला कार्यक्रम में जिले के 10 प्रतिष्ठित चर्चित विद्यालयों ने भाग लिया, जिसमें डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल, सीता शरण मेमोरियल स्कूल, सदर आलम मोहनपुर, आरपीएस स्कूल कचहरी, आरबी स्कूल मकनपुर, लोयला स्कूल हरनौत, टीएमवीएम स्कूल पावापुरी, जेवी इंटरनेशनल स्कूल, डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल ने भाग लिया। विद्यालय निदेशक श्री सिंह ने संबोधन में कहा कि साहित्य संगीत कला ये मनुष्य के जीवन में सहज रूप से निहित है, हम मनुष्य इससे वंचित नहीं रह सकते। नालंदा सहोदय क्लस्टर पठन पाठन के साथ साथ बच्चों में निहित अन्य कलाओं को निखारने का दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के उस वक्तव्य को उद्धृत करते हुए कहा कि देश का सबसे बेहतरीन मस्तिष्क वर्ग के अंतिम बेंच पर बैठे हुए छात्रों में भी मिल सकता है। बच्चे पढ़ाई से इधर दूसरे क्षेत्रों में भी अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। यातायात डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बच्चों को प्रतिभा को काफी सराहा और उनमें मनोबल को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के संचालन में विद्यालय निर्देशिका रिंकू सिंह, शिक्षक साकेत आनंद, विद्यालय प्राचार्य मोहम्मद अफाक ने प्रमुख भूमिका निभाई। प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने अपने नृत्य कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दर्शकों के मन को मुग्ध कर दिया। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि ये बच्चे आगे चलकर अपने देश का नाम विश्व पटल पर इस क्षेत्र में अंकित करेंगे। माइकल जैक्सन, प्रभुदेवा एवं वीरमुजी महाराज की झलक इन प्रतियोगी बच्चों में दिखाई पड़ रही थी। आगत अभिभावकों ने विद्यालय के बढ़ते कदम और विद्यालय की मेहनत की काफी सराहना की और विद्यालय साथ साथ चलाने का इरादा प्रकट किया। बिहार में नॉन सहोदया है और हमारा नालंदा सहोदया क्लस्टर है। सहोदया का मतलब ही है राइजिंग टुगेदर, एक साथ सभी का डेवलपमेंट सारे स्कूलों का। और इस सहोदया गठन इसलिए किया गया है कि डिफरेंट प्रकार की जो एकेडमिक एक्टिविटीज हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, टीचर का भी, बच्चों का भी, प्रिंसिपल का भी, सब कुछ हो। तो मैं सहोदया का अध्यक्ष होने के नाते हम लोग टीचर्स की 25 घंटे की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं और COE भी 25 घंटे की ट्रेनिंग करवा रहे हैं पूरे साल भर में। करीब 50 घंटे की ट्रेनिंग ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ताकि टीचर्स का जो स्किल है वो डेवलप किया जाए। और आपने देखा कि हम लोगों ने 26 को एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में कहा गया कि नहीं, अप्रैल में हमें एक प्रोग्राम करना है बच्चों के लिए। और आज हम लोग ने बच्चों के बीच, क्योंकि आज इंटरनेशनल डे सेलिब्रेशन हो रहा है, इस ओकेजन पे हम लोगों ने बच्चों का एक डांस का प्रोग्राम करवाया। और आपने देखा कि विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से, नालंदा से, शेखपुरा से, नवादा से, पावापुरी से हमारे बहुत सारे बच्चे आए और मात्र 2 दिनों की नोटिस में बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो काबिले तारीफ़ है, अतुलनीय है। और ये नालंदा की उर्वर मिट्टी के चलते ऐसा संभव हो पाया है, क्योंकि नालंदा के बच्चे हुए, बिहार के बच्चे हुए, हमारे भारत के बच्चे हों, वो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है और भारत के बच्चों ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, या किसी भी क्षेत्र, या मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र हो, हमारे बच्चे हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खास करके सभी स्कूल के प्राचार्यों को धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे चीफ गेस्ट अरुण कुमार सिंह सर जो कि ट्रैफिक डीएसपी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा सर। चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि CBSE 60वां वर्ष में प्रवेश कर गई है और इस ओकेजन पे आर्यावर्त सहोदया क्लस्टर और नालंदा सहोदया क्लस्टर, ये दोनों मिलकर करीब करीब 60 प्रोग्राम करेंगे। 60 घंटे का प्रोग्राम होगा और करीब 250 एक्टिविटीज़ होंगे। तो कई सारे एक्टिविटीज़ पटना में होंगे, राजगीर में होंगे, नवादा में होंगे, शेखपुरा में होंगे, नालंदा में होंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी हमें करनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप सभी का, जिले के सभी लोगों का सहयोग हमें मिलेगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम सभी टीचर्स, सारे लोग बच्चों की उपलब्धि के लिए, बच्चों के पहले तो अरविंद सर को काफ़ी इन्होंने जो है काबिल तारीफ काम किया है और एक नालंदा सहोदया क्लस्टर के बैनर तले जो एक सारे स्कूलों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म, एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म इन्होंने अवेलेबल कराया है, उसके लिए हम लोग अरविंद सर का और नालंदा सहोदया क्लस्टर का बहुत थैंकफुल हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया चलेगा और बच्चों को बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा। क्लस्टर की ओर से ये इंटरनेशनल डांस डे पर आरपीएससी स्कूल मकनकर के प्रांगण में डांस का प्रोग्राम रखा गया था।
जिसमें लगभग 10 स्कूलों से मैंने विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, प्रोग्राम दिया। इनके प्रोग्राम का स्तर बहुत ही अच्छा रहा, पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम भी बच्चों के चतुर्दिक विकास के लिए आवश्यक होता है। तो इन बच्चों के प्रोग्राम का जितना भी तारीफ किया जाए कम है। ये इसके संयोजक अरविंद सर या आफाक सर, जिन्होंने भी इस स्कूल के सभी टीचर्स ने या वो जो स्कूलें पार्टिसिपेट की उनके शिक्षक, उनके प्राचार्य, उनके हर स्टाफ ने जितना इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए मेहनत किया और उसके अनुसार ये प्रोग्राम जितना अच्छा हुआ, ये काबिले तारीफ। इस स्तर का प्रोग्राम बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसके लिए सभी को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद।